ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक आत्म अभिमानी स्थिति और शुभ भावनाएं पार्ट वन। टॉपिक बिंदु रूप की प्रैक्टिस। अव्यक्त वाणी 24 जुलाई 69। ज्ञान बिंदु। बाप तो तुम बच्चों को बिंदु रूप बनाने आए हैं। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। अगर बच्चे बिंदु को ही भूल जाएंगे तो बोलो किस आधार पर चलोगे। आत्मा के ही आधार से शरीर चलता है। मैं आत्मा हूँ। यह नशा होना चाहिए कि मैं बिंदु बिंदु की ही संतान हूँ। धारणा। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म करना है, परंतु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। विधि। मैं आत्मा हूँ, यह भूलने की ही आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे मुझ बाप को भूलने की जरूरत पड़ती है, हाँ, परिचय देने के लिए बोलना पड़ता है। तुम बच्चों को ही अपना परिचय देता हूँ, तो क्या बाप अपने परिचय को भूल जाते हैं? अब सब अपने को आत्मा समझकर बैठो। सामने किसको देखें? आत्माओं के बाप को। इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकोगे। ड्रिल। तो आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएं। रिजल्ट। मैं बिंदु बिंदु की ही संतान हूँ। यह कहने से स्नेह में आ जाते हैं। इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर इसका रस ले सकते हो। इसी अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सब रसनाएं आएंगी और साथ ही यह नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं। बाप हमको भी अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं? बाप तुम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है। जो बाप का और तुम बच्चों का घर है, वहाँ पर साथ में ही लेकर जाएंगे। सब इकट्ठे चलने ही हैं। टॉपिक बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। अव्यक्त वाणी 20 अक्टूबर 69। ज्ञान बिंदु। आज बाप दादा बहुत सहज बात सुनाते हैं। बहुत सहजते सहज यही बात याद रखनी है कि मैं बिंदु हूँ और बाप भी बिंदु है, लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु है। तो बिंदु और सिंधु, यह है बाप का परिचय। दो शब्द भी याद रखो तो संपूर्णता सहज आ सकती है। धारणा। सहज मार्ग को मुश्किल बनाते हैं संस्कार। यह संस्कार क्यों उत्पन्न होते हैं? सिर्फ अपनी विस्मृति
इन सब बातों को उत्पन्न करती है, चाहे पिछले संस्कार, कर्म बंधन, वर्तमान की भूलें, जो कुछ भी होता है उनका मूल कारण अपनी विस्मृति है। अगर स्मृति को मजबूत करते जाओ तो विस्मृति आपे ही भाग जाएगी। विधि एक की याद और एक रस अवस्था, एक ही मत और एक के कर्तव्य में मददगार। अगर एक एक बात ही याद रखें तो अपने को बहुत ही आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ बिंदु और एक उसके आगे विस्तार में जाने की दरकार नहीं। ड्रिल, अगर स्मृति का सूर्य सदा कायम रखेंगे तो स्मृति का अंधियारा आ नहीं सकता। यह अलौकिक ड्रिल जो जितनी करता है उतना ही तंदुरुस्ती अर्थात माया की व्याधि नहीं आती। ड्रिल में जैसे ड्रिल मास्टर कहता है वैसे हाथ पांव चलाते हैं ना। यहाँ भी अगर सभी को कहा जाए एक सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ तो बन सकेंगे। जैसे स्थूल शरीर के हाथ पांव झट डायरेक्शन प्रमाण ड्रिल में चलाते रहते हैं, वैसे एक सेकंड में साकारी से निराकारी बनने की प्रैक्टिस है। रिजल्ट, सिर्फ बिंदु और एक उसके आगे विस्तार में जाने की दरकार नहीं। सिर्फ यही बातें याद रखो तो सहज संपूर्णता को पा सकते हो। टॉपिक, बिंदु रूप की स्थिति सहज कैसे बने। अव्यक्त वाणी 24 जुलाई 70। ज्ञान बिंदु, अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, अपनी शक्ति की बचत, यह योजना बनाकर बीच बीच में उस बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई की इविल स्पिरिट व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार करेगा और आप लोगों का शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्त करेगा। यह सर्विस भी आप लोगों को करनी है। धारणा, बीच बीच में एक दो मिनट भी निकालकर इस बिंदी रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। विधि, फरिश्ता रूप की स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति जिसकी सदा काल रहती है वह बिंदु रूप में भी सहज स्थित हो सकेगा। रिजल्ट, दिन प्रतिदिन सर्विस भी बढ़ती जानी है और समस्याएं भी बढ़ती जानी है। यह जो संकल्पों की स्पीड है वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। वैसे ही इस फाइनल स्टेज का भी पुरुषार्थ बीच बीच में समय निकाल करना चाहिए। यह है फाइनल सिद्धि की स्थिति। अभी अंत के समय का भी अंत है तो इविल स्पिरिट व इविल संस्कारों को भी अति में जाकर फिर उन्हों का अंत होगा। इसलिए बचत की स्कीम बनाओ तब अपना और सर्व का बचाव कर सकेंगे।
टॉपिक बुद्धि की अलौकिक ड्रिल अव्यक्त वाणी 18 जून 71 ज्ञान बिंदु। जैसे योद्धे युद्ध के मैदान में रहते हैं, उन्हों को जब भी और जैसा भी ऑर्डर मिलता है वैसे करते ही जाते हैं। ऐसे ही रूहानी वॉरियर्स को भी जब और जैसा डायरेक्शन मिले वैसे ही अपनी स्थिति को स्थित कर सकते हो, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल भी हो और मास्टर सर्वशक्तिवान भी हो। ड्रिल। अभी अभी कहा जाए परम धाम निवासी बन जाओ, तो ऐसी प्रैक्टिस है जो कहते ही इस देह और देह की देश को भी भूल अशरीरी परम धाम निवासी बन जाओ। अभी अभी परम धाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी सर्व प्रति आवास में आए, सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति रहे। धारणा। जिसको फुल नॉलेज हो कि इस समय क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे क्या लाभ है और ना करने से क्या हानि है, यह नॉलेज रखने वाले ही नॉलेजफुल हैं और साथ साथ मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण सर्वशक्तियों के आधार से यह अभ्यास सहज और निरंतर बन ही जाता है। फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट यही अभ्यास है। यहाँ अलौकिक जन्म लेते पहला शब्द क्या सीखा, बाप को याद करो, तो जन्म का पहला शब्द लौकिक का भी और अलौकिक का भी यही याद रखना। विधि। ड्रिल के अभ्यासी जो होते हैं तो पहले पहले दर्द भी बहुत महसूस होता है और मुश्किल लगता है, लेकिन जो अभ्यासी बन जाते हैं वह फिर ड्रिल करने के सिवाय रह नहीं सकते। ऐसे अभ्यासी बनना ही है। रिजल्ट। इसके सिवाय राज्य भाग्य की प्राप्ति होना भी मुश्किल है। जिन्हों को यह अभ्यास मुश्किल लगता है तो प्राप्ति भी मुश्किल है, इसलिए इस मुख्य अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ। ऐसे अभ्यासी अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप दादा दिखाई दें। जैसे वाणी में आना कितना सहज है, वैसे यह वाणी से परे जाना भी इतना सहज होता है। टॉपिक आत्मिक पावर की परख। अव्यक्त वाणी 2 फरवरी 70 ज्ञान बिंदु। तुम सभी बच्चों के यह दिव्य नेत्र जितना जितना क्लियर अर्थात रूहानियत से संपूर्ण होंगे, उतना ही तुम बच्चों के नैनों द्वारा कई चित्र देख सकते हो और ऐसे स्पष्ट दिखलाई देंगे जैसे प्रोजेक्टर द्वारा स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इन नैनों द्वारा बाप दादा और पूरी रचना के स्थूल सूक्ष्म और मूल तीनों लोगों के चित्र दिखाई दे सकते हैं। कोई भी सामने आएंगे वह चित्र आपके नैनों में देखेंगे। नैन को देखते ही बुद्धि योग द्वारा अनेक साक्षात्कार होंगे।
ऐसे साक्षात्कार मूर्त अपने को बनना है। धारणा, जितनी जितनी लाइट तेज होगी उतना चित्र क्लियर। हम अपनी लाइट की परसेंटेज को जानते हैं कि हमारा बल्ब किस प्रकार का है, हमारी आत्मा कितनी पावरफुल है, इसकी परख किस आधार से कर सकते हो। उनमें विशेष गुण यह होता है, जो चीज़ जैसी है वैसे ही स्पष्ट देखने में आती है। इसलिए अपनी लाइट की परसेंटेज को बढ़ाओ। जितना बल्ब पावरफुल है उतना कोई सामना नहीं कर सकता। विधि, साक्षात्कार मूर्त वह बन सकेंगे जो सदैव साक्षी स्थिति में स्थित होंगे। उनके नयन प्रोजेक्टर का काम करेंगे। उनका मस्तक सदैव चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एक एक के मस्तक में लाइट देखने में आए। रिजल्ट, विनाश के समय भी यह लाइट रूप आपको बहुत मदद देगा। कोई किस भी वृत्ति वाले आपके सामने आएंगे, वह इस देह को ना देख आपके चमकते हुए इस बल्ब को देखेंगे। जो बहुत तेज लाइट होती है और उसको जब देखने लगते हैं तो दूसरी सारी चीज़ें छिप जाती हैं। वैसे ही जितनी जितनी आप सभी की लाइट तेज होगी उतना उन्हों को आपकी देह देखते हुए भी नहीं दिखेगी। जब देह को देखेंगे ही नहीं तो तमोगुणी दृष्टि और वृत्ति स्वतः ही खत्म हो जाएगी। टॉपिक, सर्व पॉइंट का सार, बिंदी बनना। अव्यक्तवाणी 5 अप्रैल 70। ज्ञान बिंदु, सर्व पॉइंट का सार व स्वरूप बिंदी ही बनना है। सर्व पॉइंट का सार भी पॉइंट में आ जाता है तो पॉइंट रूप बनना है। पॉइंट अति सूक्ष्म होती है जिसमें सभी समाया हुआ है। अभी पुरुषार्थ है विस्तार को समाने का। जिसको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है वही बाप दादा के समान बन जाते हैं। समेटना और समाना यह जरूरी है। धारणा, अब मुख्य पुरुषार्थ यही करना है कि अपने को सभी के समीप लाना है, आवाज में लाना। जितना सहज है उतना ही आवाज से परे जाना सहज हो। इनको ही संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति कहा जाता है। विस्तार में जाते ही फिर वही समझने का पुरुषार्थ करो। विधि, जितना जितना अपनी देह से न्यारे रहेंगे उतना समय बातों से भी न्यारे। जैसे वस्त्र उतारना और पहनना सहज है कि मुश्किल, वैसे अभी अभी धारण किया, अभी अभी शीतल स्वरूप। जब दोनों स्वरूप में स्थित होना आता है तब एकर स्थिति रह सकती है। रिजल्ट, जितना जिसका न्यारापन का अनुभव होगा उतना स्वतः प्यारा बनता जाएंगे। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है।
जब अपनी बुद्धि सर्व आकर्षणों से परे होगी तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। टॉपिक, आकार में निराकार को देखने का अभ्यास। अव्यक्त वाणी 28 जुलाई 71। ज्ञान बिंदु, जैसे बाप आकार में निराकार आत्माओं को ही देखते हैं, वैसे ही बाप समान बने हो। सदैव जो श्रेष्ठ बीज होता है उसी तरफ ही वृत्ति और दृष्टि जाती है। आकार में निराकार को देखने की बात पहला पाठ पूछ रहे हैं। इसमें अंत तक अगर अभ्यासी रहेंगे तो देही अभिमानी का अथवा अपने असली स्वरूप का जो आनंद व सुख है वह संगम युग पर नहीं करेंगे। आकार में निराकार को देखना यह प्रैक्टिस और नेचुरल स्वरूप ही हो जाना चाहिए। धारणा, स्वप्न में भी कभी संकल्प रूप में देह के संबंधी तरफ बुद्धि ना जाए। दूसरी सीढ़ी है कर्मेंद्रियों पर विजय। तीसरी है व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों के ऊपर विजय। विधि, आत्मा समझना यह तो अपने स्वरूप में स्थित होना है। चलते फिरते मैं ब्रह्मा कुमार हूँ यह भूलना होता है क्या? ऐसे ही अपना शिव वंशी का स्वरूप क्यों भूलना चाहिए? जब शिव बाबा शब्द कहते हो तो निराकारी स्वरूप सामने आता है ना। जब बाप दादा शब्द इकट्ठा बोलते हो तो अपना दोनों ही आत्मिक स्वरूप और ब्रह्मा कुमार का स्वरूप दोनों ही याद नहीं रहता। यह अभ्यास पहले से ही कंप्लीट करना पड़े। रिजल्ट, साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होते निराकार अवस्था में होंगे। यह आत्मिक स्वरूप का अनुभव अंत से पहले ही करना है। इस आत्म अभिमानी स्थिति में ही सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। अंत के समय में नई नई परीक्षाएं आएंगी, जिन परीक्षाओं को पास कर संपूर्णता की डिग्री लेंगे। अगर यह पाठ स्मृति में नहीं होगा तो संपूर्णता की डिग्री नहीं ले सकेंगे। डिग्री ना मिलेगी तो क्या होगा? धर्मराज की डिग्री निकलेगी। वरदान वह दे सकता है जो साक्षात्कार मूर्त होगा। कोई भक्त को भी वरदान प्राप्त होता है तो साक्षात्कार मूर्त द्वारा होता है ना। तो साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बनने से ही वरदानी मूर्त बन सकेंगे। दाता बाप के बच्चे दाता बनना है। टॉपिक, निरंतर योगी बनने की सहज विधि। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 72। ज्ञान बिंदु, शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव होना है। यह प्रैक्टिस किनको हो सकती है? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे।
जरा भी लगाव नहीं होगा तब न्यारे हो सकेंगे। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटैच नहीं हो सकते, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो अब महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी है। योग द्वारा शक्तियों का अनुभव करना कराना, अनुभवी मूर्त बनने की क्लास कराओ। जो आपके समीप संपर्क में आते हैं उन आत्माओं को यह अनुभव कराने का सहयोग दो। उन्हों की निर्बलता को, कमजोरियों को अपनी शक्तियों के सहयोग से उन्हें भी अनुभवी मूर्त बनाओ। धारणा, देह अभिमान से छूटने के लिए मुख्य युक्ति यह है, सदा अपने स्वमान में रहो तो देह अभिमान मिटता जाएगा। विधि, स्वमान मैं कौन हूँ, अपने इस संगम युग के और भविष्य के भी अनेक प्रकार के स्वमान जो समय प्रति समय अनुभव कराए गए हैं, उनमें से अगर कोई भी स्वमान में स्थित रहते रहे तो देह अभिमान मिटता जाए। मैं ऊंचते ऊंच ब्राह्मण आत्मा हूँ, यह भी स्वमान है। सारे विश्व के अंदर ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनने वाली मैं आत्मा हूँ, यह भी स्वमान है। जैसे आप लोगों को शुरू शुरू में स्त्रीपन के देह के भान से परे होने का लक्ष्य रहता था, मैं आत्मा पुरुष हूँ, इस पुरुष के स्वमान में स्थित कराने से स्त्रीपन का भान नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निकलता गया। ऐसे ही सदैव अपनी बुद्धि के अंदर वर्तमान व भविष्य स्वमान की स्मृति रहे तो देह अभिमान नहीं रहेगा। ड्रिल, जैसे एक सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही एक सेकंड में शरीर का आधार लिया और फिर एक सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए, यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। ऐसा अनुभव होगा जब चाहे कोई कैसा भी वस्त्र धारण करना व ना करना, यह अपने हाथ में रहेगा। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो, कर्म करते हुए भी अनुभव ऐसा ही होना चाहिए। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए, रिजल्ट बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव हो। इसी स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा, वह भी महसूस करेंगे। ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हें आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का
दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे, ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। अभी यह प्रैक्टिस पूरी हो जाए तो यहाँ वहाँ से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। ओम शांति।